नमस्कार मित्रों, मैं उत्कर्ष पांडे आप सबका भारत ट्रिप की यूट्यूब चैनल पे अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे एनसीएफ 2005 ईबीएस के सिलेबस के ईबीएस के टॉपिक पे क्या बताता है, इसको कोरिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ईबीएस के क्लास यानी विद्यालय ज्ञान को विद्यालय विद्यालय के बाहर जीवन के साथ जोड़ना, यानी बच्चे को कोई भी विद्यालय में कोई चीज पढ़ा रहे हैं उसके बाहर के वातावरण से जोड़ते हुए उसको पढ़ाना। नेक्स्ट टॉपिक है पाठचर्या को समृद्ध यानी डेवलप करिए बनाइए ताकि यह पाठ पुस्तक पर केंद्रित न होकर बच्चे को सर्वांगीण विकास यानी संपूर्ण कम्प्लीटली उसका डेवलपमेंट हो, इस तरह का हम उसको ज्ञान देना चाहिए और उसको समझाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए अपने सिलेबस के यानी पाठचर्या के माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक है देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर सरकारों का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना, यानी जो भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी चीज हम बच्चों को समझा रहे हैं उसको उसको रियलाइज लगे कि क्लास में उस चीज को दर्शाया जा रहा है, इस तरह से हम उसको डील करें। फिर लिखा है सुनिश्चित करना है कि अधिगम रटने की विधियों से परे हो, यानी जो ट्रेडिशनल होता था परंपरागत रूप से जो चीज पढ़ाई जाती थी कि बच्चों को रटने पे ज्यादा जोर दिया जाता था, तो आज के संदर्भ में एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चों को समझ ऐसा विकसित करिए कि उसको रटने की जगह पे अधिक वो सीखे और उसको समझे और रियल लाइफ से उसको कोरिलेट करे, ना कि उसको रटने पे ज्यादा जोर दिया जाए, जिससे विद्यालय आने के लिए वो क्या हो प्रेरित हो मोटिवेट हो। अगर ऐसा हम करेंगे तो बच्चों को उस स्कूल में लाने में बहुत सारा मदद करेंगे और बहुत बच्चे विद्यालय में जाकर देश के शिक्षित होने का एक गौरव प्रदान करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है परीक्षाओं का अधिक लचीला और कक्षा कक्ष के जीवन के साथ समेकित करना, यानी पेपर इतना आसान बनाइए कि बच्चों को देने में उसको बोझिल ना समझे, वो डरे ना एग्जाम से डरे ना, यानी उसको इंटरेस्ट के साथ ऐसा बनाइए पेपर कि आसानी से वो पेपर देते हुए और हार्ड मतलब वर्क करे और अच्छा नंबर पाए और अपने विकास का अपना शरीर का अपना मस्तिष्क का अपना सामाजिक विकास यानी सब टोटली विकास मिला जुला कर वो अपने जीवन को एक अस्थायी जीवन प्रदान करे बच्चे। इसलिए ईबीएस के क्लास में इस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो आप लाइक करिए, चैनल पे अगर है नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के बीच में इसको शेयर करिए। इस हमारे साथ जुड़े होने के लिए हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।